कोटक 811 के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 5 मिनट में कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, अकाउंट नंबर भी मिलेगा और आपको नेट बैंकिंग भी मिलेगी, यानी आपके अकाउंट पर आपको फुल कंट्रोल दिया जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और कैसे आप इसकी नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको कोटक का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका कोटक में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको ब्राउजर में ले जाएगा। ब्राउजर में यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। यहाँ पर अपना फुल नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ गेट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो गैस सब्सिडी मिलती है, अगर वो किसी अदर अकाउंट से लिंक है तो आप यहाँ पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, और अगर वो किसी अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। सब्सिडी आपके इसी अकाउंट से लिंक हो जाएगी। चलिए हमारी दूसरे अकाउंट से लिंक है तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर उस बैंक का नाम डालेंगे जिसमें हमें अभी करंटली डीबीटी मिल रही है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर टर्म और कंडीशंस है, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा उस नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक है। आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एड्रेस ये आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नॉमिनी ऐड करने का। अगर आप चाहें तो यस पर क्लिक करके अभी यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नॉमिनी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पर हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये टैक्स के बारे में है, आप इंडिया में टैक्स भरते हैं या किसी अदर कंट्री में। यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक टाइमिंग सिलेक्ट करनी होगी फुल केवाईसी अपॉइंटमेंट के लिए। जो टाइम आप यहां पर चूज करेंगे उसी टाइम पर आपके घर कोटक की तरफ से एक बंदा आएगा और वो फुल केवाईसी करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। यहां पर हम कल की डेट चूज कर देते हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा की ब्रांच में जाना चाहते हैं फुल केवाईसी के लिए तो आप यहां पर कोटक महिंद्रा ब्रांच चूज कर लीजिए, लेकिन मैं घर पर बुलाना चाहता हूं तो यहां पर मैं आधार एड्रेस चूज कर लेता हूं। पूरा एड्रेस यहां पर आ चुका है, नेक्स्ट करेंगे। यहां यस पर क्लिक करेंगे। अब यहां नेट बैंकिंग के लिए हम एक पासवर्ड चूज कर लेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहां पर एक एम पिन सेट कर लेंगे 6 अंकों का, यहां पर उसको कंफर्म कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहां पर ये पूछ रहे हैं क्या आप सेम पिन को वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी यही पिन रखना चाहते हैं। हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है, ये CRN नंबर है, ये IFSC कोड है और ये UPI आईडी है। नीचे यहाँ पर हम इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर देखिए हमें डेबिट कार्ड भी मिल चुका है जो कि 2024 तक के लिए वैलिड है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहां ऑर्डर पर क्लिक करके फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 199 रुपीज चार्ज देना होगा। लेकिन मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मुझे शॉपिंग्स करनी होती है या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर यूज करना होता है, तो वहां पर मैं इस डिजिटल डेबिट कार्ड को यूज कर सकता हूं। अब हम दोबारा से यहां पर कोटक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट है तो हम यहां लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अपना CRN नंबर डालेंगे। CRN नंबर डालने के बाद यहां सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहां पर MPIN डालेंगे जो भी हमने 6 अंकों का सेट किया था। MPIN डालते ही आपके पास ये नोटिफिकेशन आती है, ओके करेंगे, आपके पास एक OTP सेंड किया गया है। OTP को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है, टैग फोटो पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रोफाइल पिक्चर को बाद में भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आप फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं या MPIN ही यूज करना चाहते हैं। चलिए हम MPIN यूज करेंगे, हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर हम अपना बैलेंस देख सकते हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है, और नीचे यहाँ पर बाकी की सभी सर्विसेज है जो कि होती है।
यहाँ से आप भीम UPI यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बाकी की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती है जो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाद में कभी भी अगर आपको बैंकिंग यूज करनी है तो आप कोटक बैंक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बैंकिंग आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना बैलेंस देख सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर आपको MPIN डालना होगा और यहाँ पर आपका अकाउंट और बैलेंस दोनों शो हो जाएंगे। आप अपने पास की किसी भी ब्रांच में जाकर के इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको UPI यूज करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भीम UPI का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने UPI के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी को भी UPI के जरिए पैसे सेंड कर सकते हैं। आपकी UPI ID आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पर जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं उसकी UPI ID डालेंगे, यहाँ पर पैसे डालेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगर आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करना चाहते हैं तो पे2 अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसके अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। तीसरा है यहाँ पर मैनेज VPA, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने VPA को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी आपका UPI ID है आपका मोबाइल नंबर @Kotak। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक न्यू VPA बना सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ईशान, इसके बाद क्रिएट VPA पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारी UPI ID हो चुकी है ishansid@Kotak। यहाँ पर आप बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके लिए बिल पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना MPIN डालेंगे। यहाँ पर आप बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। बाद में अगर कभी आपको क्रेडिट कार्ड मंगाना है तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर customer ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पर्सनल डिटेल्स कार्ड डिटेल्स डालेंगे और क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। आप चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ चेक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकबुक पर क्लिक करेंगे, 25 या 50 लीव्स यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट चेकबुक पर क्लिक कर देंगे, आपके एड्रेस पर चेकबुक सेंड कर दी जाएगी। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है बैंकिंग का, आप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पूरे अकाउंट को एक ही जगह से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट की एक्टिविटी देख सकते हैं, अकाउंट ओवरव्यू देख सकते हैं, किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, UPI इस्तेमाल कर सकते हैं, FD या RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं, बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, IMPS का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोटक में जो ऑफर्स चलते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अपने इस अकाउंट में कुछ पैसे डाल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ फोन पे में, टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भीम UPI ID चूज करेंगे और यहाँ पर हम ऐड भीम UPI ID पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी वही भीम ID डाल देंगे जो हमने अपने कोटक अकाउंट में सेट की थी, जो थी ishansid@Kotak। अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट नंबर के थ्रू भी पैसे सेंड कर सकते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितने पैसे आप सेंड करना चाहते हैं। चलिए हम 500 रुपीज सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना UPI PIN डालेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपीज ट्रांसफर हो चुके हैं। अब यहाँ कोटक में आएंगे, व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 500 रुपीज आ चुके हैं। यहाँ पर हम कोटक की नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में हमें और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। इसके लिए हम जाएंगे kotak.com पर, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर हमें CRN नंबर और नेट बैंकिंग पासवर्ड डालना है और इसके बाद सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद यहाँ सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, नीचे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे और नीचे यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड डालकर उसको कंफर्म करेंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, आप पहली बार में जो पासवर्ड लगाते हैं वो आपको हमेशा चेंज करना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हमारे अकाउंट में 500 रुपीज है जो कि शो हो रहा है और नीचे यहाँ पर आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जितने आपको एप्लीकेशन में मिलते हैं उससे और ज्यादा ऑप्शंस आपको नेट बैंकिंग में मिलते हैं। नेट बैंकिंग का मजा कंप्यूटर या लैपटॉप पर आता है। जब आप कंप्यूटर लैपटॉप पर अपने ब्राउजर में नेट बैंकिंग को ओपन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये एक फुल प्रोसेस है कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट ओपन करने का और उसको इस्तेमाल करने का। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक बार KYC जरूर करा लेनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने आसपास की किसी कोटक ब्रांच में जा सकते हैं।
या फिर आप कोटक महिंद्रा के किसी एम्प्लॉय को अपने घर पर भी बुला सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि मैंने उसको अपने घर पर बुलाया है, वो कल आएगा और यहीं से KYC करके ले जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।